प्यारे विद्यार्थियों, ये मैथ की वर्कशीट 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 36 25/9/2020 को आई थी। इसका एरिया एंड पैरामीटर के जो क्वेश्चन दिए थे उसने आपको वर्कशीट के नीचे एक लिंक भी दिया था। वो हमेशा देता है लिंक, और मैं आपको हमेशा वो लिंक अलग से आपकी सुविधा के लिए भेजता हूँ, जिससे कि आप लिंक पर क्लिक करें और दीक्षा ऐप के जितने भी वो वीडियो आपको भेजता है उसे आप ध्यान से देख सकें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हीरोन्स फॉर्मूले को ध्यान से समझाया गया। अब उसके बाद उसकी जो वर्कशीट के जो दो क्वेश्चन थे उसने ट्राई योर सेल्फ में दिए थे, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया इसने फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपका काम है कि एक ट्रायंगल बना लेना, जो उसने बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल तैयार कर लिया ए बी सी, जिसकी तीनों साइड्स 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आपको दिया है। अब सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले में निकालने के लिए हमें इसने एरिया पूछा है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके फार्मूले पे जाएंगे। ध्यान से देखिए मैंने कहाँ से शुरुआत की है। फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने फार्मूला क्यों लिख दिया। बेटे फार्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो फार्मूला है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। अगर मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा, फिर उसमें मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टार्टिंग से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। एस ए बी और सी। एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर, ए हमारी एक साइड, बी सेकेंड साइड और सी थर्ड साइड। अब हम ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली को बी और सी के सामने वाली को सी। अब आप यहाँ खास बात क्या देख रहे हैं कि ए भी 12 सेंटीमीटर है, बी भी 12 सेंटीमीटर है और सी भी हमारी 12 सेंटीमीटर इसने हमें दी हुई है। अब तीनों साइड जब हमें दी हुई हैं तो इसके बाद ए बी सी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब बच गया हमारा एस। एस इक्वल टू होता है, पहले हमें इसका मीनिंग भी तो पता हो, एस एस मीन्स होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मीन्स सेमी आधा, पैरामीटर का आधा। और पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर तीनों साइडों का सम। अगर हम सिंपल किसी से पूछें तो वो एक मिनट में इसका आंसर दे सकता है कि सेमी पैरामीटर कितना होगा। पैरामीटर 12 12 12, तीनों साइडों का सम 12 12 24 12 36, 36 सेंटीमीटर का आधा 18 सेंटीमीटर। लेकिन बेटे पेपर में हमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर का फार्मूला आप लर्न क्यों करते हैं? आप सोचिए कि तीनों साइडों को जब सम करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं तो वही फार्मूला है, लेकिन बच्चे उसे रटने में लग जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। अब ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 12। एस इक्वल टू 12 12 12, 36 सेंटीमीटर अपॉन में टू। एस आ गया हमारा, सॉरी नीचे टू है, 2 1 2 2 18 का आंसर आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। वो बोलते बोलते 12 12, नीचे भी 12 ही लिखा गया, कोई बात नहीं। 36 अपॉन में 2 आ गया, 2 1 2 2 18 36, 18 सेंटीमीटर हमारे पास एस आ गया। अब हमें ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन को फार्मूले लिख के दोबारा से और सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अब आप एक बार देख लीजिए कुछ चीज़ बची तो नहीं। ए है, बी है, सी है, एस हमारा अंडर 18 है। अब हमें इसके अंदर पुट करना है। फार्मूला मेरा पहले लिखने का पर्पस यही था बेटे, अगर फार्मूला पहले लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमारे पास है और क्या हमें कैलकुलेट या हमें फाइंड करनी है। अब हमने उतारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 18। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं ये एस के बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में कोई साइन तो लगाया नहीं है। बेटे जब ब्रैकेट होता है
तो आप समझिए जब प्लस माइनस कोई साइन नहीं होता तो वो साइन कौन सा होता है, इनटू, तो 18 के बाद इनटू एस हमारा 18 माइनस ए कितना है, ए हमारा 12 है, उसके बाद फिर इनटू का साइन। अब मैं यहाँ इनटू का साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि हाँ आपको क्लियर हो जाए कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उनको आपस में क्या करना है, इनटू 18 माइनस बी भी हमारा 12 है, 18 माइनस 12, सी भी हमारा 12 है, 18 माइनस 12 क्या छूट गया, रूट। बाद में इसलिए बना कि सारी जितनी जगह घेर ली उसके बाद मैंने इसको बना दिया। अब 18 इंटू 18 में से 12 गए 6, 18 में 12 गए 6, 18 में से 12 गए 6। अब इस रूट को सोल्व करने का जरा पर्पस देख लीजिए, ये रूट सोल्व कैसे होता है। इस रूट को सोल्व करने का ये होता है, अगर आपका अंदर एक पेयर तैयार हो चुका है तो आपको उसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 18 के फैक्टर कर देंगे, 6 से फैक्टर कर देंगे, 6 से फैक्टर कर देंगे, 6 से फैक्टर। अरे आप सबसे पहले नज़र दमार के देखिए इसके अंदर कि एक पेयर तो पहले ही बना हुआ है, हम इसको 2 3 2 3 यानी 2 × 3 2 × 3 क्यों लिखें। तो ये पेयर हमारा पहले ही अंदर पेयर है, बाहर क्या आएगा, एक होके बाहर आएगा 6, अंदर बच गया 18 × 6। अब 6 यहां पर आ गया ब्रैकेट में। अब हमें एक 6 का पेयर, हमें यहां पर इस 6 का एक और पेयर बन जाए तो ये 6 भी बाहर आ जाएगा। हम जानते हैं 18 कितना होता है, 6 × 3, 6 × 3 × 6 हमारा पहले ही है। अब ये भी पेयर तैयार हो गया। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि पेयर तैयार करना जरूरी है, बजाय आप उसको छोटे छोटे फैक्टर में करें वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बात अलग है कि कई क्वेश्चंस में छोटे फैक्टर करने पर ही क्लियर होता है, लेकिन यहाँ जब आपको नज़र आ रहा है साफ सुथरा कि हाँ 6 का पेयर तैयार होने को है तो आप निकल। अब 6 यहाँ पहले ही था, अब जब ये पेयर तैयार हो गया तो कितने 6 बाहर आएंगे, 1 इंटू में 6 अंडर रूट, क्या बच गया, दोनों 6 बाहर चले गए, अंदर बचा 3, 6 6 36 अंडर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमें एक सेकंड क्वेश्चन और दिया उसने, सेकंड क्वेश्चन जो दिया, अब हम ध्यान से एक बार उसको आपके सामने उतारेंगे भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब इतने में क्वेश्चन उतार रहा हूँ, आप ये सोचिए कि आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है। अब बीच में मैं थोड़ी देर अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप इतने सोचिए कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं। अब बेटे अगर आप बिल्कुल सही चाहते हैं कि हाँ सच में आपको सब कुछ समझ आए, सब कुछ अच्छे से हो, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपने आइसोसेलिस ट्रायंगल देखा होगा, आपके पास वर्कशीट पहले से खुली होनी चाहिए, या मैं दो ही क्वेश्चन सोल्व करूँगा ध्यान से, तो वो दो पे भी आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। आप इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, अब वर्कशीट की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। अब जब उसी मोबाइल में आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसी मोबाइल में आप वर्कशीट कैसे देखेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन भी आपका यहीं लिखा होना चाहिए। हम जानते हैं बेटे आपकी परेशानियाँ, किस तरीके से एक मोबाइल से दो दो भाई दो दो बहनें पढ़ रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, याद आया कुछ आइसोसेलिस ट्रायंगल, यहाँ क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ है आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपने एक ट्रायंगल बना लिया, पेपर में आप फेयर और जितना काम हो सके स्केल से करेंगे
क्योंकि बेटे मैथमेटिक्स ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको स्केल का, कंपस का, सारी चीज़ों का यूज़ आपको दिखाना होता है। मैं रफ़ किस लिए बना रहा हूँ कि हाँ पहले आपको एक रफ़ बनाना है, फिर उसके बाद आप स्केल से इसको पूरा पूरा फेयर बना सकते हैं, ए बी सी। अब उसने बात करी आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो। अब हमने कहा कि इसकी दो साइड इक्वल हो गई, एक ये और एक ये। अब दो साइड जो इक्वल थी वो उसने कितनी कहा था, आइसोसेलिस ट्रायंगल इन लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 10। तो जब हमने इनको दोनों को इक्वल मान लिया तो दोनों क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड इज 16 सेंटीमीटर, तीसरी साइड जो है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही लेट करेंगे, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। अब फिर स्टार्टिंग कहाँ से करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि हमें वही निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप फिर वही बात, फार्मूला पहले लिखने से पता चल जाता है हमें एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। ए हमारा मेरा 16, बी हमारा 10 सेंटीमीटर और सी हमारा 10 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर कितना ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइड कर देंगे 2 से तो हाफ बन जाएगा। एस इक्वल टू ए 16, बी 10, सी 10, 0 0 6 अपॉन में 2 है, 0 0 6 प्लस करने का तरीका 1 1 1 3 36। एस इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना है 18 18 18 माइनस ए यानी कि 16, 18 माइनस 16 18 माइनस बी हमारा है 10 और सी हमारा कितना है 10, 18 माइनस 10 अंडर रूट आपने लगा दिया। अब पीछे पलट के करते हैं, हमें 18 लिखना है, फिर उसके बाद 18 माइनस 6, यहाँ पे थोड़ा सा रफली सॉल्व कर लेते हैं, 18 6 2 18 माइनस 10 गया 8, 18 माइनस 10 गया 8, 8 8 2 18, 18 2 8 8 दो आठ आठ। अब ये पेड़ तो पहले से ही तैयार है, अब आप फिर अगर इसके 2 के 8 के फैक्टर करने लग जाएंगे तो फिर वही बात है, आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। तो ये पेड़ तो पहले ही बाहर आ जाएगा, 8 अंदर बचा 18 into 2। अब आप 18 को सॉल्व करिए, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 2 हमारा पहले से ही है। ये भी पेड़ तैयार, ये भी पेड़ तैयार, 8 into 3 बाहर आ गया, इधर से 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में 0 नहीं 1 1 बचा, तो अंडर रूट 1 तो ख़त्म ही हो जाता है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 8 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। 8 3 ज़ा 24, 24 2 48, 2 3 ज़ा 6, 6 8 48। टेबल जो इतना कहते थे कि याद करिए याद करिए, अगर वो टेबल हमारी टिप्स पर होती तो यहाँ हमें देखना ना पड़ता। ठीक है बेटे, धन्यवाद।